तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वैलेंसी क्या होती है दोस्तों? वैलेंसी मैंने अभी आपको बताया, कैपेबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग, विथ अदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो यहाँ अगर हम बात करें, सपोज मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन है, तो अब हम बात करें, सबसे पहले जब मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था तो मैंने आपको कहा था कि आपको एक फिगर याद रखने के लिए कहा था मैंने, ये न्यूक्लियस था हमारा, इसके अराउंड ये हमारा के शेल, ये हमारा एल शेल, ये हमारा एम शेल। तो इसमें मेरे 2, 3, 4, 5 और 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे। ये हमारा कार्बन एटम था, ये हमारा के शेल था, ये हमारा कार्बन एटम है, यहाँ के शेल, एल शेल और एम शेल। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं, तो यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। एस वाले मतलब के वाले नहीं निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल वाले निकलेंगे। तो इसका वैसे आप कॉन्फिगरेशन लिखे तो क्या लिखी जाएगी, 2, 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब दोस्तों, हर एक एटम को या मॉलिक्यूल को अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है स्टेबल होने के लिए। ऑक्टेट से क्या मतलब है, उसे चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर एस में 8 तो आ नहीं सकते, यानी कि के में 8 तो आ नहीं सकते, तो उसे चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर के की बात करें तो उसे सिर्फ 2 चाहिए और एल की बात करें तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है, यानी कि -4 में जा सकता है, कार्बन 4 नेगेटिव। कार्बन ने अगर सपोज 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे ना, लेकिन 4 एक्स्ट्रा गेन हो गए उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो और चार्ज हो जाएगा उसका 4 नेगेटिव। या फिर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास ऑलरेडी थे उन्हें लूज कर सकता है। तो अगर उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो चला जाएगा कार्बन 4 पॉजिटिव में। कार्बन का एग्जाम्पल क्यों उठाया मैंने, कार्बन की वैलेंसी समझनी सबसे टफ होती है, इसलिए अब आपको कार्बन की वैलेंसी समझ में आ गई तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं, सपोज ऑक्सीजन। अब दोस्तों, ऑक्सीजन पहले से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव यानी 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव में क्यों जाता है कार्बन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने में या 4 इलेक्ट्रॉन देने में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, मतलब नियरली सिमिलर। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी उतनी एनर्जी लगेगी और 4 इलेक्ट्रॉन से देने में भी उतनी एनर्जी लगेगी। बट जब जो वैलेंसी है या जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब 5 हो 6 हो 7 हो या 8 हो, यही हो सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, यानी कि जब 4 से बड़े हों, ग्रेटर देन 4, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए और इसका ऑलरेडी पूरा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है। तो अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, कॉन्फिगरेशन होती है 2, 6 और इसका मतलब है के में 2 है और एल में 6 है, तो इसे क्या चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 6 लूज करेगा बताइए, ऑब्वियसली 2 गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 नेगेटिव। अब बात आती है वैलेंसी निकालते कैसे हैं, तो अब हम शुरू करते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, वैलेंसी हाउ टू फाइंड वैलेंसी, ये दोस्तों या तो सबसे टफ टॉपिक हो सकता है आपके लिए या सबसे इजी टॉपिक हो सकता है, तो वीडियो लास्ट तक देखना अगर आपको इजी समझ में आए। सिंपल, बहुत से सिंपल से 2 मेथड बताता हूँ मैं आपको, 2 मेथड इन द सेंस कि 2 पार्ट है वैलेंसी निकालने की। कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आउटर मोस्ट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम,
ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 1 से 8। 0 क्यों नहीं आ सकते? 0 होंगे तो उसे हम आउटर मोस्ट कंसीडर करेंगे ही नहीं, उससे जो पहले वाला शेल है उसे हम आउटर मोस्ट कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने लिया ऑक्सीजन का एग्जांपल, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, मैं प्रोटॉन नहीं बना रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब यहां इसके एन शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं इसे आउटर मोस्ट कंसीडर करूंगा? नहीं, मैं इसे ही आउटर मोस्ट कंसीडर करूंगा। सपोज मैं बात करूं नियोन की, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नियोन में क्या इसमें 0 है, तो क्या मैं इसे आउटर मोस्ट कंसीडर करूंगा? यानी कि जो मेरा एन शेल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, नियोन में भी एन के एल एम, जो मेरा एम शेल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या मैं उसे आउटर मोस्ट कंसीडर करूंगा? नहीं, मैं उसे आउटर मोस्ट कंसीडर करूंगा जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो आउटर मोस्ट शेल भी है। तो आपको ये पता चल गया कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते, और क्यों नहीं होते ये भी पता चल गया। और 8 ही क्यों आते हैं, मैक्सिमम 8 क्यों होते हैं, ये आप पढ़ेंगे 11th 12th में। दोस्तों एक और बात, वो आता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या आपको पता है कि नियोन और नोबल गैसेस ऐसी हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होने की वजह से वो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट कर सकती है? सिंगल एटम एज इन, जैसे ऑक्सीजन हमारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सब सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी सिंगल सिंगल एटम, लिटरली सिंगल एटम। दोस्तों वापस आते हैं वैलेंसी के ऊपर, आउटर मोस्ट में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, होने नहीं चाहिए, हो कितने भी वो आपको कॉन्फिग्रेशन से पता चल जाएगा। दूसरा आपको आनी चाहिए कॉन्फिग्रेशन लिखनी, हाउ टू राइट कॉन्फिग्रेशन। कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं? KLMN लिख लिया, आपको जिसकी कॉन्फिगरेशन लिखनी है, सपोज मेरे को सोडियम की लिखनी है, सोडियम की कॉन्फिगरेशन लिखनी है, तो सोडियम यानी कि Na, उसका सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यानी कि Z पता होना चाहिए, Z एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, एटॉमिक नंबर Z पता होना चाहिए। सोडियम का Z होता है 11, यानी कि 11। तो अब के में 2 ही आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम में भी मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, बट यहां हमारे पास 1 ही बचता है, तो ये हो गया 2, 8, 1। तो यहां से आ गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बात करते हैं दोस्तों वैलेंसी कैसे निकालते हैं, यहां से आपकी वैलेंसी निकली। दो ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, या तो यहां पे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोशन में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज मोर देन 4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज लेस देन 4 या लेस देन इक्वल टू 4। 4 से ज्यादा या फिर 4 और 4 से कम, यही दो केस हो सकते हैं ना, या तो आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोस्तों जब भी ये चीज याद रखिए, ये बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो समझ लीजिए आपको वैलेंसी पूरी निकालनी आ गई, और ये जो मेथड वैलिड है ये ऑलमोस्ट 20 तक वैलिड है, इसलिए आपको अभी तक 20 ही पढ़ाए जाते हैं, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास में भी और 12th में भी। तो अभी क्या है, जब 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम है, तो जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही हमारी वैलेंसी हो जाएगी, दैट्स इट। वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल,
किस केस में जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन है या उससे कम इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास हमारे पास चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम उसे एट में से माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल एट था, हमारे पास आठ से ज्यादा नहीं आ सकते। माइनस क्यों करेंगे दोस्तों, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ना आठ बनाने के लिए। सपोज मेरी वैलेंसी है, सपोज मेरे आउटर मोस्ट शेल में है पांच इलेक्ट्रॉन, आठ में से मैंने माइनस कर दिए पांच, तो उसे तीन इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है ना एट बनाने के लिए। तो हमें तो ऑक्टेट पूरा करवाने हैं, ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए उसे तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोस्तों ये बात आती है वैलेंसी की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारा हमने लिया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बस काफी है, चार एग्जांपल्स है समझ जाओगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वन, कार्बन का फोर और सॉरी कार्बन का सिक्स, नाइट्रोजन का सेवन और ऑक्सीजन का एट। अब एटॉमिक नंबर पता चल गया तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर से कभी भी जो है वैलेंसी नहीं निकलेगी, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी। हमें निकालनी है कॉन्फ़िगरेशन, तो KLM, KLM, KLM और KLM। तो यहाँ K में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, L में है, M में है, नहीं है। यहाँ K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, क्योंकि K में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L में कितने आएंगे, चार, क्योंकि चार बच गए। उसके बाद यहाँ K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, K में तो फिर भी दो ही आ सकते हैं, L में कितने आएंगे बताइए, पांच, क्योंकि यहाँ पांच बच गए। यहाँ K में कितने आएंगे, दो, L में कितने आएंगे, छह। तो ये बात आ गई आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें के ही हो गए, इसमें एल के हो गए, इसमें भी एल के हो गए और इसमें भी एल के हो गए। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जब चार या चार से कम हो तो वही नंबर वैलेंसी हो जाता है। तो मुझे अगर वैलेंसी निकालनी है तो इसमें चार से कम है नंबर, चार या चार से कम है नंबर, बिल्कुल है, वन, तो इसकी वैलेंसी होगी, यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी वन। कार्बन में चार या चार से कम है, बिल्कुल है, तो कार्बन की वैलेंसी होगी फोर। नाइट्रोजन में क्या चार या चार से कम है, नहीं है, चार से बड़ा है ना नंबर, पांच चार से बड़ा है, तो क्या करते थे, तो हम उसे एट में से माइनस करते थे। तो मैंने इसे माइनस किया, थ्री आया, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी थ्री। ये चीज ध्यान रखने की है, यहां से अगर आप निकालते तो वन निकलती, बट नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है थ्री, यहां आप डायरेक्टली इसको एट में से माइनस कर देते तो वन निकल आती। इसलिए कह रहा हूं एटॉमिक नंबर से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, यहां एट है तो यहां एट माइनस सिक्स यानी कि टू, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी टू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस वीडियो के बाद आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन दिख जाएगी। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।